एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज मैं कर रही हूँ व्लॉग स्टार्ट एंड काफ़ी शाम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यूजुअली मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ व्लॉग, बट आज मैंने शाम से व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज है अष्टमी एंड कल है नवमी, तो मैंने सोचा अष्टमी नवमी का व्लॉग कर लेते हैं। तो अभी आज मेरा फास्ट है, मैं फर्स्ट डे एंड लास्ट डे फास्ट रखती हूँ, तो अष्टमी के दिन यूजुअली मैं फास्ट रखती हूँ। तो हमारा जो आज वाला फास्ट होता है ना, वो इस तरह से होता है कि सुबह और शाम दोनों टाइम यही करते हैं, फलाहार करते हैं। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। आई थिंक काफ़ी सारी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो वो तो मैं अभी शेयर नहीं करूँगी। तो अभी फटाफट से बनाती हूँ साबूदाने की खिचड़ी, फलाहार करेंगे एंड फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। साबूदाना जो है वो गल चुका है एंड पोटैटोज जो है वो कट चुके हैं। आज मैंने किचन में दिन में ये पूरा क्लीन किया था, मतलब ये पूरा वॉश किया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये पानी के पास रखा हुआ है तो थोड़ा गंदा हो जाता है एंड थोड़ा थोड़ा सा ना ये रस्ट होने लग गया है, इसमें रस्ट आ गया है एंड इसका पेंट भी निकल रहा है। सो दिस इज़ द वन जो मैंने मीशो से परचेस किया था एंड ये वाला जो है ये अमेजन वाला है, इसको भी मैंने प्रॉपरली आज वॉश किया था इन सबको। तो इसमें अभी तक कुछ रस्ट वगैरह इसलिए इसका कुछ पेंट वेंट निकलने वाला इशू नहीं हुआ है। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ वो पानी के पास रखा हुआ है एंड ये बिना पानी के है इसलिए। तो इन दोनों को वॉश किया है। तो जब आप ऐसे डेकोरेटिव स्टफ के साथ चीज़ें करते हैं ना, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन देम एज वेल, तभी वो अच्छे लगते हैं, अदरवाइज वो बहुत गंदगी अच्छी नहीं लगती है। एंड इसके बारे में भी सब पूछ रहे हैं, मैंने उसका जब ये वीडियो जिसमें दिखाया है ना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था अमेजन का, अमेजन से परचेस किया था मैंने ये। और ये तब परचेस किया था जब ये सर्विसेज जो होती है ना वो बंद नहीं हुई थी, मतलब उसके पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था। आया ये लॉकडाउन के टाइम ही था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने पहले से ऑर्डर कर दिया है तो फिर तो उनको भेजना ही पड़ा था, मुझे लग रहा था शायद कैंसिल हो जाएगा, बट ये आ गया था। सो ये सब स्टार्ट करते हैं खिचड़ी बनाना। तो हमारा जो खाना है वो बन चुका है, मतलब शाम का इंतजाम हो चुका है, खिचड़ी बन चुकी है। टाइम हो रखा है 7:05 कम है, तो मतलब 10 मिनट मान लेते हैं। बट अभी पूजा करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 9 दुर्गे चल रहे हैं, तो हम लोग पूजा करते हैं फिर उसके बाद खाना खाते हैं सुबह। वैसे हम जब 9 दुर्गे नहीं चलते हैं तो हमारा सिर्फ सुबह पूजा होती है, लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए हम लोग शाम को भी पूजा करते हैं। सो सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है, अभी ठीक है मानते हैं इस चीज़ को, तो वही है। पर मेरे पास कुछ सामान आया हुआ है, तो जब थोड़ा ये बताती हूँ मैं आपको, मतलब इसी ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या सामान आया है। गुड मॉर्निंग। सो आज है रामनवमी, सो हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। और पीछे चल रहा है योगा और मैं अभी जस्ट यहाँ पर बैठी हुई हूँ, सन ले रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं तो इतना जल्दी उठी हूँ, 7 बजे मैं नहीं उठ रही थी, अभी 8 हो गया था मेरा टाइमिंग। तो आज मैं जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि ऑब्वियसली रामनवमी है, तो जल्दी नहा धो करके खाना वाना बना करके नहीं, उससे पहले पूजा करनी होती है हम लोगों को, हमारी कुल देवी की जो पूजा है वो होती है। तो आज मैं ये बैल्कनी थोड़ा क्लीन करूँगी क्योंकि हम लोग यहीं पर पूजा करेंगे, धूप में उनकी पूजा होती है, तो यहाँ तो आज बहुत अच्छी सनलाइट आने वाली है, तो आज हम यहाँ पर उनकी पूजा करेंगे। सो येस, लेट्स स्टार्ट द डे। रामनवमी के दिन आप लोग क्या क्या बनाते हो? आज मैं बनाने वाली हूँ, पूरी बनेगी, हलवा बनेगा, उसके बाद मैंगो शेक बनेगा एंड जो आलू की सब्ज़ी होती है ना घीली, वही जो मैं बना चुकी हूँ हलवाई स्टाइल वाला, तो वो चीज़ें बनेंगी। प्रसाद के लिए ये चढ़ता भी है भगवान को, तो यस, वैसे तो पूरी हलवा चढ़ाएंगे प्रसाद में, क्योंकि वो जो सब्ज़ी होती है वो मैं थोड़ा अनियन वनियन के साथ वाला बनाती हूँ, तो इसलिए वो तो नहीं चढ़ाते हैं, तो पूरी हलवा सिर्फ चढ़ाएंगे, मीठा चढ़ाते हैं भगवान को, तो बस वही चढ़ाएंगे एंड आज से नवरात्रे ख़त्म हो जाते हैं। एंड आई जस्ट प्रे, होप तो मैं कर ही नहीं रही, आई प्रे टू गॉड कि ये सब कुछ ख़त्म कर दें, ये जितना भी चीज़ें चल रहा है, सबके फैमिली मेम्बर्स ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी और ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड से हट जाएं, मतलब सिनफ नाउ बहुत हो रहा है, बहुत अजीब अजीब न्यूज़ सुन रहे हैं। तो यस, एंड ये है विक्की, बहुत तेज सनलाइट आ रही है। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट द डे। Thank you.
हम लोगों ने ये एक एक्वाफीना की जो ऐसे बिस्लरी बॉटल्स होते हैं ना, ये संभाल के रखी हुई है, तो इससे पानी डालती हूँ मैं सब में, क्योंकि एक तो इससे क्या मेरे को ना प्रॉपर वो रहता है, मेजरमेंट रहता है कि मुझे कितना कितना पानी डालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने बालों में अभी किया है जम के तगड़ी वाली ऑयलिंग, और थोड़ा सा एक चम्मच दही भी उसमें मिलाया था, दही बचा हुआ था, वेस्ट होता वो, तो इसलिए मैंने अपने बालों में लगा लिया ऑयलिंग के साथ। मैं ऑयलिंग वैसे नहीं करती हूँ, बट अभी फिलहाल मैं कर रही हूँ, तो मैंने वो जो मामर्स के आते रहते हैं मेरे पास काफ़ी सारे ऑयल्स पड़े हुए हैं, तो मैंने वही अपने बालों में लगाया है। एंड वो भैया आ गए, और अब स्टार्ट करती हूँ फटाफट क्लीनिंग से। विक्की जा रहा है शार लेने के लिए, और मैं तब तक डस्टिंग और क्लीनिंग झटपट वाली कर देती हूँ। ये एक्चुअली हम लोगों का घर का घी है, अवेलेबल डब्बा रहता है वो मिल जाता है, बट ये जो घी है ना ये घर का घी है। ओके गाइज, सो आई जस्ट टुक शार, और मैंने चेंज वेंज कर लिया है, तो अभी सूट पहना है क्योंकि हम लोग हमारी जो कुल देवी है उनकी पूजा करते हैं आज। सो एक्चुअली जो कुल देवी हैं वो हम लोगों की पहाड़, मतलब जनरली देवी और भगवान लोग कहाँ स्थान रहता है इन लोगों का, पहाड़ी पे ऊंची जगह पे, तो वहाँ पे जहाँ मेरे इन-लॉज रहते हैं वहाँ पे तो हम लोग छत पे जाकर के करते हैं, क्योंकि साइन ऑफ मतलब ऐसे पहाड़ पे ऊंची जगह पर बैठी है। तो अभी हम लोग रहते हैं यहाँ पर इतनी ऊंचे जगह पे, तो हम लोगों ने ना यहाँ पर बैल्कनी में धूप में ये पूरा स्थान लगा दिया है। मैंने एक नीचे वो पट्टा लगा दिया है और ये रख दिया है विक्की ने, तो यहाँ पर हम लोग और मैंने पहना है ये बहुत ही सुंदर सा सूट है, ये कलर बहुत प्यारा है, समरी कलर्स हैं इसके, एंड साथ में मैंने बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स मुझे सेंड करे हैं कनिका ने, उनका इंस्टाग्राम पेज है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कल ही मैंने ओपन करे हैं, एक्चुअली आ तो गए थे परसों मेरे पास, तो और भी इयररिंग्स हैं जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ आगे, पहले पूजा वूजा का काम कर लेते हैं। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द पूजा। हम लोगों ने जो हमारा स्थान है यहाँ पर पूजा करी है, अब हम बाहर जो देवी जी की फोटो है वो ले जा करके हमारी कुल देवी को याद करके और उनकी आराधना करेंगे।
ओके गाइस, तो हमारी पूजा वगैरह सब हो, विक्की ने चेंज भी कर लिया, मतलब मैं सोच रही थी कि एक फोटो खिंचवा लेंगे दोनों। नहीं, चीटियां हो गई, देखो ये कहां से। सो विक्की ने तो चेंज कर लिया है, मैं सोच रही थी एक अच्छी सी फोटो वगैरह ले लेते हैं, बट ठीक है। मैं अभी फटाक से पहले तो चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बनाना है पूरियाँ, आज मुझे एक वीडियो बनाना है ब्रांड के लिए। तो मैं आज यही इसी अवतार में सोच रही हूँ, इंडियन अटायर में कभी भी बनाती नहीं हूँ वैसे वीडियोस, एंड आज मैं ऐसी ही बनाऊँगी, ऐसी ही तैयार होकर के। तो बाल वाल भी तब तक थोड़े ड्राई हो जाएंगे, तो यह सूट भी मैं आपको तभी दिखाती हूँ अच्छे से रेडी होने के बाद। सो दिस इज़ माई सूट, ये इसका दुपट्टा है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, एंड मुझे ऐसे बड़े दुपट्टाज ही बहुत अच्छे लगते हैं, एंड प्रॉपर कॉटन है। एंड साथ में ये कुर्ता है, परफेक्ट स्लीव्स, परफेक्ट फिटिंग, कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड ये इसका बॉटम है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो मुझे, मैं इतनी देर से पहनी हुई हूँ, मुझे डेफिनेटली इसमें गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन अभी क्योंकि पुरिया वगैरह बनाना है तो मेरे सूट ख़राब ना हो जाए। काफ़ी सुंदर सा सूट है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड परफेक्ट फॉर समर्स, लाइट कलर है। यूजुअली मेरे पास इतने लाइट कलर्स होते नहीं हैं। लेती हूँ और ये इयररिंग्स भी उतार लेती हूँ, इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ओके गाइस, तो मैंने अभी अपना चेंज वेंज सब कर लिया है, मैंने इयररिंग्स भी उतार दिए, मुझे इतने दिन से आदत नहीं है तो मैं ज़्यादा देर बड़े इयररिंग्स नहीं पहन पाती हूँ। यूजुअली विक्की हमारे यहाँ गूंदता था, उसको आटा गूंदना आ चुका है थैंक्स टू लास्ट वाले लॉकडाउन की वजह से। तो जो वो वाला आटा है ना, वो विक्की करता था, बट तब मुझे इसमें अच्छे से समझ में नहीं आता था कि पूरी का आटा हार्ड कैसे करे वो करे, बट अब इसमें ही हमारा जो फूड प्रोसेसर है, इसमें ही बहुत अच्छे से जो डो है पूरी का, मतलब हार्ड चाहिए रहता है ना, तो वो हो जाता है इसमें। ओके गाइज, सो कैन यू सी माई फेस, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये मैं रेड इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से गैस के सामने खड़ी हुई हूँ, इतनी सारी पूरियाँ और ये पापड़ और ये सब बनाया है, और मुझे हर जगह से स्वेटिंग हो रही है। तो मैं थोड़ा फेस वॉश करती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाप रे, मुझे लेवल की स्वेटिंग हुई है ना। सो बाप रे, मुझे 2 घंटे हो गए हैं किचन में खड़े खड़े। मैं विक्की को बोल रही हूँ, आज विक्की के व्रत खत्म होंगे, कल मैं किचन में घुसूंगी नहीं लिटरली। चाहे कल क्या देना है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अपुन नहीं घुसने वाला पापा किचन में भर भर के, भर भर के। बाहर से तो आना ही नहीं है, बाहर से तो आना ही नहीं है। और मेरी टी शर्ट गीली हो गई यार, जो आपको मैंने आपका पसंद पसंद का खिलाया है ना, और मुझे मैगी में मटर खाना बनवाऊंगी प्रॉपर, समोसे बना के खिलाओ, सब बना के खिलाओ मुझे, वो क्या क्या आप बनाते थे स्टार्टर। इस बार तो विक्की ने कुछ बनाया ही नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरे को बहुत टिक गया है। चलो गाइज, मैं आप लोगों से मिलती हूँ देर में। तो ये है गाइज आज का लंच, और ये है मैंगो शेक, ये दही है, पहले मैं रायता बनाने वाली थी बघार बघार के, पर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सब्ज़ी ये बस। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लेंस कार्ड के जो विक्की के लिए हम लोगों ने स्पेक्स बनवाए थे, वो विद इन 2 डेज़ में आ भी गए, काफ़ी जल्दी सर्विस थी इन लोगों की। तो दोनों जो स्पेक्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो एक स्पेक्स है, ये वो वाला है, मतलब यूजुअली क्या होता है ना, विक्की को पावर है तो ये अपने सनग्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं पहन पाता है, तो हम लोगों ने ये इस तरह से मैग्नेटिक वाले मंगवाए हैं। तो ऊपर से ना ये एक सनग्लासेस टाइप का फ्रेम है कि आप सनलाइट में उसको आराम से पहन सकते हो, पावर वाला भी है, तो यू नो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। एंड ये जो दूसरा वाला है, ये एकदम सिंपल जो रेगुलर वो पहनता था वो वैसे ही है, तो हमने ये दोनों फ्रेम्स लिए हैं। एंड ये बाय वन गेट वन का ऑफर था, मतलब जो प्रीमियम क्वालिटी लेंस होता है वो कौन कौन सा, ब्लू रे वो सब कुछ ही है इसमें। परफेक्ट, ये तो एकदम बहुत स्मार्ट लग रहा है, पुराने जैसे ही लग रहा है ये तो, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। हाँ, कैसा दिख रहा है? अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? वो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, 5-10 दिन। नहीं तो प्रॉब्लम क्या? वो एकदम से चश्मा चेंज होता है तो ब्लर दिखता है। तो ये है वो इयररिंग्स जो मुझे दागीने पेज ने भेजे हैं, दागीने बाय कुनिका। सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल इयररिंग्स, ये मैंने ही बहुत ही सुंदर एंड बहुत सही क्वालिटी के हैं, मतलब ये भी मैं काफ़ी जल्दी किसी इंडियन अटायर में पहनूंगी। और इसमें जिस तरह से काम किया गया है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बारीकी से काम किया गया है,
बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे ये. एंड दूसरे ये हैं जो मैंने पहने थे आज, ये मुझे बहुत सही लगे. फिनिशिंग सब कुछ बहुत क्लासी पीस है, बहुत ही क्लासी पीस है. सो आई लाइक दिस एस वन. और काफ़ी लाइट वेट है, मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं. एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट. कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं और ये इन सब में सबसे ज़्यादा लाइट वेट है. मुझे इसका ये जो यूनिक डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. तो ये मैं ज़रूर किसी ना किसी साड़ी के साथ ज़रूर पहनूंगी. जब भी मैं नेक्स्ट साड़ी पहनूंगी, आई एम गोइंग टू वेयर दिस इयर रिंग थर्ड पीस. तो ये तीन इयर रिंग्स का सेट आया है. इनके जो पेज का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, इफ़ इन एनी केस आपको परचेस करना हो तो. So yes, that's it for my video. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में. Till then, bye.